हेलो स्टूडेंट, तो मैं संतोष कुमार तिवारी आपको डीलेट थर्ड सेमेस्टर की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। तो आपका जो कंपलसरी पेपर है सामाजिक अध्ययन, पिछली क्लास में मैंने मुगल साम्राज्य के विषय में बताया और जो ये बताने की प्रयास किया कि मुगल साम्राज्य ने किस तरह भारत पर राज किया और किस तरह अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और क्या क्या योगदान उन्होंने भारत को दिया या भारत के विकास में क्या क्या योगदान किया, जिसमें कि अकबर ज़्यादा सफल रहे। तो इसी कड़ी में आज नया चैप्टर आपका शुरू होता है सामाजिक अध्ययन में और इस चैप्टर का नाम है मराठों का अभ्युदय। तो उसी क्रम में जो आज का टॉपिक है वह है शिवाजी। तो पहले आज आइए समझते कि मराठे कौन थे। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में मराठों का आगमन हुआ था। मराठे जो थे वह महाराष्ट्र प्रांत के थे, उनकी भाषा मराठी थी पर धर्म हिंदू था और एक तरह से वो महाराष्ट्र के आदिवासी माने जाते थे, यानी आदिवासियों के सीढ़ी से वो निकलकर आए थे। मुगलों ने अपने धर्म प्रचार के लिए और शासन व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं उनका दमन करने का प्रयास किया और जब दमन किया तो उससे विद्रोह उत्पन्न हुआ और मराठे जो थे वह एक तरह से संगठित हुए साजी भोसले के नेतृत्व में और उन्होंने अपने संगठन को तैयार किया और एक ऐसी सेना को तैयार किया जिससे कि वो मुगल साम्राज्य से युद्ध कर अपने सम्मान को पा सके। तो कहीं ना कहीं अपने सम्मान को पाने में वह सफल भी रहे। तो इसमें जो मुख्य जो किरदार था वह कहीं ना कहीं मराठों सरदार, जो मराठे सरदार थे उनमें जो सबसे बड़ा नाम था वो था शिवाजी का, जो आप भी जानते हैं, आपने सुना होगा शिवाजी का। तो आइए शिवाजी के विषय में जानते हैं। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। पिता साजी भोसले और माता जीजाबाई, जो एक विदुषी महिला थी। साजी भोसले का स्वर्गवास जल्दी हो गया तो जीजाबाई के देखरेख में उन्होंने सारी विद्याओं को सीखा और कहीं ना कहीं जीजाबाई का शिवाजी के ऊपर बड़ी छाप पड़ी, या यूं कह लीजिए कि राष्ट्र के प्रति जो समर्पण की भावना है वह कहीं ना कहीं जीजाबाई ने ही उनके दिल में और दिमाग में रच बसा दी थी कि वो एक तरह से भारत का नेतृत्व करें और कहीं ना कहीं मुगलों के चंगुल से भारत को आजाद कराए। तो शिवाजी भोसले घुड़सवारी तथा अस्त्र चलाने में पूर्णतया निपुण थे। उनके जो संरक्षक थे दादाजी कोड़देव, उन्होंने सैनिक की शिक्षा और कुशल नेतृत्व की शिक्षा उन्होंने प्रदान की। तो कहीं ना कहीं शिवाजी का जो बचपन था वह लाल पालन जो था उनका अच्छे से बीता और जीजाभाई ने इसका भरसक प्रयास किया कि वह एक कुशल सैनिक बने और कुशल राजा बनने के सारे गुण कहीं ना कहीं शिवाजी में मौजूद थे। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना विजय रथ को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले आते प्रारंभिक विजय। प्रारंभिक विजय में शिवाजी ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मराठा जाति को संगठित किया और मालवा में रहने वाले अपने मित्र को और सेना को संगठित कर सन 1656 में जब बीजापुर का जो सुल्तान था वह थोड़ा अस्वस्थ हुआ तो शिवाजी ने उस पर आक्रमण कर दिया, जिससे तोरण, नोट कर लीजिए, जिससे तोरण, इसको नोट कर लीजिए जो नाम बोल रहे, तोरण, रायगढ़, पुरंदर और कोंकण आदि किलों को जीतकर एक तरह से अपने आप को संगठित करने का, मजबूत करने का प्रयास किया। नेक्स्ट आते हैं बीजापुर की विजय। तो शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखकर बीजापुर के सुल्तान ने सन 1659 में अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा।
शिवाजी उससे बड़ी सावधानी से मिले और अवसर पाकर उन्होंने अफजल खां का वध कर दिया और उसकी सेना भाग गई। तो बीजापुर के सुल्तान की सेना से शिवाजी का घनघोर युद्ध बाद में हुआ और तत्पश्चात उन्होंने बीजापुर पर विजय प्राप्त कर लिया। तो कहीं ना कहीं जो शिवाजी थे वो चतुर, चालाक और सजग रहने वाले थे, क्योंकि उनको इस बारे में जीजाबाई ने पूर्णतया बता रखा था कि कहीं ना कहीं मुगलों से होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि मुगल हमेशा धोखे की राजनीति करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो विद्याएं जीजाबाई ने सिखा रखी थी उससे उनको हमेशा सफलता के रास्ते पर जाने को प्रेरणा मिलती थी। तो शिवाजी एक तरह से कुशल नेतृत्वकर्ता थे और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए बड़ी कुशलता के साथ कार्य को किया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट है पुरंदर की संधि। तो जो पुरंदर की संधि थी वह इसलिए भी माने रखती थी क्योंकि इस्तखा का की असफलता के पश्चात औरंगजेब ने अपने वीर जनरल जय सिंह और दिलेर खां को भेजा। तो कहीं ना कहीं इस बात को औरंगजेब जानते थे कि हम इनसे युद्ध में हो सकता जीत ना पाए, तो उन्होंने एक तरह से संधि का प्रस्ताव रखा और इस संधि के अनुसार शिवाजी ने 23 दुर्ग मुगलों को दिए और जय सिंह ने शिवाजी को मुगलों के दरबार में चलने के लिए तैयार भी कर लिया। तो इससे कहीं ना कहीं शिवाजी को ख्याति में थोड़ा सा धक्का भी लगा, लेकिन कहीं ना कहीं वह अपने राजनीति और संगठन में कामयाब हुए। उसका कारण यह था कि शिवाजी बड़ी चतुराई और निडरता के साथ किसी कार्य को करते थे। तो ऐसा हुआ कि एक बार जो पुरंदर की संधि के उपरांत जब ये मिलने गए औरंगजेब से 1666 में, तो शिवाजी के दरबार में उनको वह सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना अपमान समझा, इसलिए उन्होंने औरंगजेब को उसके दरबार में ही बहुत बुरा भला कहा, जिससे औरंगजेब गुस्से में आ गए और उन्होंने शिवाजी को बंदी बना लिया। शिवाजी जो थे एक निर्भीक थे और कूटनीतिज्ञ भी थे, इसलिए उन्होंने रात में एक योजना बनाई और टोकरी में बैठकर वह वहां से दक्षिण चले गए और अपनी को आजाद कर लिया। तो ये शिवाजी के अंदर ये विशेष गुण था कि अगर उनको सम्मान कहीं नहीं मिलता था तो सम्मान पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि जीजाबाई ने उनको बताया था कि व्यक्ति का अपना सम्मान ही सब कुछ है और उसका सम्मान कहीं ना कहीं उस राष्ट्र से जुड़ा होता है जहां का वो नेतृत्व करता है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे छत्रपति की उपाधि। तो जो छत्रपति आपने सुना होगा छत्रपति शिवाजी, तो छत्रपति की उपाधि उनको कैसे मिली, तो सन 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में एक पंडित गंगा भट्ट, नोट कर दिए कभी कोई क्वेश्चन आता है कि किसने उपाधि दी थी, तो पंडित गंगा भट्ट के द्वारा विधिवत राज्याभिषेक किया गया। पंडित गंगा भट्ट के द्वारा विधिवत राज्याभिषेक किया गया और पंडित गंगा भट्ट ने ही इन्हें छत्रपति की उपाधि प्रदान की, जिससे कि इनका नाम छत्रपति शिवाजी बोला जाने लगा। यानी छत्रपति की उपाधि इन्हें पंडित गंगा भट्ट द्वारा मिली थी। नेक्स्ट आते हैं इनके जो दरबार में थे वो कहीं ना कहीं अष्ट प्रधान के नाम की संज्ञा आती है, आपने सुना होगा, क्वेश्चन भी आता है कि अष्ट प्रधान, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं अष्ट प्रधान को अकबर के राज्य में समझ लेते हैं, लेकिन वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तो आइए देखते हैं कि अष्ट प्रधान, तो अष्ट प्रधान से क्या तात्पर्य है। तो अष्ट प्रधान से ये तात्पर्य था कि उनके जो दरबार में थे वो 8 इस प्रकार के लोगों को उन्होंने चयन किया था जो अष्ट प्रधान की सेठ उनको संज्ञा दी गई थी। शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए अलग अलग कार्यों को बंटवारा कर दिया था, अलग अलग कार्यों को वर्गीकृत कर दिया था, जिससे कि किसी एक पर कार्य का बोझ ना पड़े और कार्य बड़े सुचारू रूप से
चलायमान रहे। तो इन्होंने अलग अलग जो वर्गीकृत किया कार्यों के हिसाब से मंत्रियों को, तो उसी को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई। प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था और जो पेशवा का पद था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसलिए महत्वपूर्ण था कि पेशवा का जो पद था वो उस समय, जो आज के समय में महामंत्री बोला जाता है, उस समय पेशवा का पद था। यानी पेशवा का पद जो था राजा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद था। तो आइए जानते हैं, पहला पद है पेशवा, दूसरा पद है अमात्य, तीसरा है मंत्री, चौथा है सचिव, पांचवा है सुमंत, नेक्स्ट है सेनापति, सातवां है पंडित राव और आठवां पॉइंट है न्यायाधीश। यानी उन्होंने अपने दरबार में कार्यों के हिसाब से मंत्रियों का बंटवारा कर दिया था, जिससे कि सारे कार्य आसानी से और सरलतापूर्वक संपन्न कराए जाएं, और इससे कहीं ना कहीं सबको अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी भी ठहराया जाता था। नेक्स्ट आते हैं छापा मार युद्ध, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। और ये टिप्पणी आती है आपको एक नंबर, ये दो नंबर के क्वेश्चन में टिप्पणी आती है, दो नंबर क्वेश्चन आता है, अगर आपका डीएल का पेपर होगा तो उसमें देखिएगा कि ये क्वेश्चन मोस्टली आता है। पहला है तो इस बारे में देखिए, छापा मार युद्ध। तो छापा मार युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो छापा मार युद्ध एक तरह से शिवाजी राव ने, छत्रपति शिवाजी की देन है, उन्होंने एक तरह से इस युद्ध को कहीं ना कहीं गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, छापा मार युद्ध को कहीं ना कहीं गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। तो छापा मार युद्ध से क्या तात्पर्य है? सेना को छोटे छोटे टुकड़ियों में शिवाजी बांट देते थे और छोटे छोटे टुकड़ियों में बांटकर युद्ध करने जाते थे। तो जब दूसरी सेना से युद्ध करते थे तो दो तीन टुकड़ियों बांट देते थे, तो एक टुकड़ी जो थी वह सेना से युद्ध करती थी और अचानक दूसरी टुकड़ी जो अगल बगल छुपी हुई थी पर्वतों के पीछे या जंगलों में, वो अचानक सेना के, विरोधी सेना के ऊपर हमला कर देते थे। जब वो अचानक हमला कर देते थे तो कहीं ना कहीं जो दूसरी विरोधी सेना थी वो अपने आप को असहज महसूस करती थी और वह हार जाती थी। तो इसको एक तरह से गोरिल्ला युद्ध भी कहते हैं, यानी अचानक किसी चीज पर दूसरे तरफ से धावा बोल देना, यानी पीछे से आके भी धावा बोल देना और सारी विरोधी सेना को शिवाजी घेर लेते थे, जिससे कि वह सेना आसानी से हार जाती थी। तो वह है छापा मार युद्ध। तो कहीं ना कहीं छापा मार युद्ध के द्वारा ही यह अपने सैन्य संगठन को बढ़ाने में कामयाब हुए और कहीं ना कहीं किसी हद तक काफी सफल हुए। तो इसको एक बार से नोट कर लीजिए अपने शब्दों में, छापा मार युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो छापा मार युद्ध से तात्पर्य यह है कि सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया जाता था, सैनिकों की संख्या कम होने के कारण यह शत्रु से आमने सामने युद्ध ना करके पहाड़ियों एवं जंगलों में छिपकर उन पर अचानक हमला कर देते थे, जिससे कि विरोधी सेना हार जाती थी इस प्रणाली को छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए इस प्रकार की युद्ध प्रणाली को अपनाया था इसे गोरिल्ला युद्ध भी कहते हैं अब आते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के प्रमुख मराठे सरदारों के नाम बताइए। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, दो साल पहले भी आया था और टीटी में पूछा जाता है कि शिवाजी के समय में प्रमुख मराठे सरदार कौन कौन से थे या दो के नाम बताइए। तो शिवाजी ने मुगल प्रदेशों को जीतने के लिए या मुगल प्रदेशों को
विजय प्राप्त करने के लिए अलग अलग टुकड़ों में शासन व्यवस्था अलग अलग सरदारों के हाथों में बांट दिया था। वो इसलिए बांट दिया था जिससे कि वो अपने साम्राज्य को जीतने के लिए उनको जब एक साथ संगठित करेंगे तो कहीं ना कहीं एक विशाल सेना होगी जिससे हम मुगलों को आसानी से हरा देंगे। और जब मुगल उन पर आक्रमण करेंगे तो कहीं ना कहीं जब हम अलग अलग जगह अपनी टुकड़ियों को नियुक्त कर देंगे तो वह कहीं ना कहीं उस पर सफलता प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। इसलिए उन्होंने प्रमुख सरदारों मराठों सरदारों के को अपनी अपनी सेना के हिसाब से उन्होंने अपने अपने उत्तरदायित्व उनको सौंप दिए थे। तो आइए जानते हैं इनके कौन कौन से थे। प्रमुख सरदार थे नागपुर के राधोजी भोसले, नागपुर के राधोजी भोसले, बड़ौदा से पिल्ली जी गायकवाड़, इंदौर के मल्हर राव होलकर और ग्वालियर के रामजी सिंधिया और इंदौर के मल्हर राव होलकर। नोट कर लीजिए, और इस साहसी देशभक्त का स्वर्गवास जो था वह 1680 में 53 वर्ष की आयु में यह चिरनंदा में सो गए थे। 1680 में 53 वर्ष की आयु में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।